जालिमों, मोदी की तस्वीरों ने एक बार फिर इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। सवाल ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब आखिर स्विट्जरलैंड क्यों नहीं गए? दोस्तों, मालदीप को भारत ने एक ऐसा आईना दिखाया है जिसका वो हकदार था। मोदी जी के जाने के बाद वहां पे एडवेंचर टूरिज्म में मोटा पैसा लगाएगी कॉर्पोरेट्स, पर वहां पे आने लग्जरी होटल्स। वो अपने मुल्क के, अपने कंट्री के एक ऐसे आइलैंड पर गए हैं जहां पर जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा नहीं जानते। कल के अंदर आप देखेंगे कि मालदीव्स का बुखार उतर चुका होगा दोस्तों, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी को भाई सैल्यूट करता हूँ उसकी इतनी अच्छी आदत के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा के बाद लक्षद्वीप से करीब 754 किलोमीटर दूर स्थित देश मालवीय सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। चाय वाले होके अपने लोगों की हिदमत कर रहे हैं, अपने कंट्री को आगे से आगे लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आते हैं, कहते हैं जी हम बहुत क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, हम हिदमत नहीं कर पाए। और ये सीधा सीधा भारत का एक्शन है मालदीव को। 2000 औरतों ने, 2000 विमेन ने बहुत गर्म जोशी से, बहुत अच्छे तरीके से उनका वेलकम किया गया है। रवायती साड़ियां पहनी गई, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नारे लगाए गए हैं। सब ये बताता है कि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर आउट टूरिज्म के, और इनमें से ज्यादा तादाद मुस्लिम औरतों की। क्या आप उसको चाय वाला कहें या कुछ भी कहें, ही इज सिंसियर टुवर्ड्स इंडिया एंड इंडियंस। इस एक शख्स ने इंडिया की पूरी मिडिल क्लास को उठा के रख दिया। जालिमों, मोदी की तस्वीरों ने एक बार फिर इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। तो आइए बात करते हैं कि इस बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की कौन सी तस्वीरों और वीडियोस ने इंटरनेट को ब्रेक कर दिया। भारत के वजीर आजम की अक्सर ऐसी वीडियोस और तस्वीर आती हैं कि जिस पे बड़ी खबर बनती है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। पहले हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी साहब ने जब तेजस उड़ाया था तो उस वक्त वो यूनिफॉर्म पहनकर जब वो निकले थे और उनकी पिक्चर्स इंटरनेट पर आई तो इंटरनेट पर तो एक उधम मच गया और लोगों ने जो है उसको धड़ाधड़ शेयर करवाना शुरू कर दिया और कहा कि देखो कि भारत के वजीर आजम जो हैं ये तो जनाब तेजस उड़ा रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन अब हुआ कुछ यूं है कि मोदी साहब एक आइलैंड पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और स्विम, और उस आइलैंड पर उनकी पिक्चर्स जो हैं ये सब करते हुए वायरल हो रही हैं। तुम्हें बीचेस का शौक है ना, तुमने ऐसी सफेद बिल्कुल प्रिस्टीन बीचेस दुनिया में नहीं देखी होंगी जैसे लक्षद्वीप में। इतना खूबसूरत वहां पे सैर सपाटे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाओ, वो एक डेस्टिनेशन बनेगा, वो एक हब बनेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जाने का मकसद वही था, हिज होल एम ऑफ गोइंग टू लक्षद्वीप वाज दिस। 5 साल के अंदर आप देखेंगे कि मालदीव्स का बुखार उतर चुका होगा दोस्तों, ये मैं आपको आज बता रहा हूं, आप नोट कर लेना, 5 साल के अंदर मालदीव्स का बुखार उतर जाएगा। ये जो पैसे के लिए इतराते हैं ना कि बाहर से लोग आ रहे हैं, ये है, ये नहीं, ये चाइना चुना, ये सब कोने में लगाएंगे इनको। हमारे देश में ज्यादा सुंदरता है यार, थोड़ा सा डेवलप करने की बात है। पैसा है हमारे पास, विजन है हमारे पास, लीडर है हमारे पास, क्या पॉसिबल नहीं है? चला गया मोदी जी, देखना 2-3 साल में हो जाएगा, फिर देखेंगे। वो कौन सा आइलैंड है? बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है लेकिन शायद आप उसके बारे में ना जानते। उन्होंने ऐसा किया क्यों, ज्यादा अहम ये है। तो देखिए जो पिक्चर्स चल रही हैं इस वक्त मीडिया पे वो है लक्षद्वीप आइलैंड। अब लक्षद्वीप आइलैंड मलयालम लफ्ज है और इसका मतलब है 100,000 आइलैंड, लेकिन वो है 36 आइलैंड वहां पर, और ये इंडियन यूनियन टेरिटरी में आता है। और अगर इसकी तारीख पर आप जाएं, हिस्ट्री पर, तो मालाबार के पास जब उस वक्त, जब ब्रिटिश राज से भी पहले, कई सदियां पहले जो है वो एरिया, वो वहां पर कई एक इन्वेडर्स भी आते रहे और बहुत कुछ होता रहा, लेकिन ये जो जगह है ये दूर दराज है, यानी ये आइलैंड वो आइलैंड नहीं है कि जिसमें आप कहें कि ये मोदी साहब जो है ये तो गोवा पहुंच गए, वहां के बीच पर नजर आए, ये मुंबई पहुंच गए वहां पर, नो, ये वो आइलैंड है जिसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती। सवाल ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब आखिर स्विट्जरलैंड क्यों नहीं गए, वो फ्रांस क्यों नहीं गए, और पेरिस के वो आईफिल टावर पे क्यों नहीं गए, अपनी फैमिली के साथ जाते, वो डिनर करते और मजे करते, वहां की तस्वीरें उनकी वायरल हो जाती, या कुछ ऐसा काम करते, या फिर ये कि वो लंदन चले जाते कहीं पर किसी, नहीं, वो अपने मुल्क के, अपने कंट्री के एक ऐसे आइलैंड पर गए हैं
जहां पर जिनके जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा नहीं जानते, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये कि इसकी जो सीनिक ब्यूटी है और जो मेस्मराइजिंग है, इसके अलावा ये एक ऐसी जगह है कि जहां पर बैठकर आपको ये रिफ्लेक्ट करने का ये मौका मिला है कि 140 जो इंडियंस हैं उनके, यानी 1.5 अरब इंडियंस जो हैं उनके लिए काम कैसे किया जा सकता है। तो अब देखिए 140 करोड़ इंडियंस की वो बात करें वहां पर जाकर भी, ठीक है जी। और वहां पर उन्होंने कहा कि ये बैठकर पता चलता है कि कितना मुश्किल है ये सब करना। वो एक एडवेंचरर के तौर पर नजर आए, उन्होंने ये एडवेंचर किया, लेकिन इसमें ज्यादा अहम बात ये है कि वो वहां पर उन्होंने जाके हजारों करोड़ों रुपए के कुछ प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो उसका अनाउंस किया है और वो भी शुरू हुए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि और भी इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंट हो सकती है कि देखिए जैसे कि वहां पर वो इलेक्शन है आजकल, और इससे पहले हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी रैलीज भी चली, कई कई दिन हम देखते रहे इलेक्शन के दौरान जो है वो चलता रहा सिलसिला, और उसमें जो है वो वहाँ लोगों से पॉलिटिशियंस जो है जाकर मिलते हैं और अपनी प्रेजेंस शो करवाते हैं। ये प्रेजेंस शो करवाना अपनी जगह पर, लेकिन एक ऐसी जगह पर जाकर ये बताना कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह और यहाँ पर मैं आया हूँ। इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की तस्वीर वायरल हुई थी, सेल्फी वायरल हुई थी मोदी साहब के साथ, तो आपको ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर बातचीत हुई, और उसके ऊपर जब उन्होंने कहा कि बेस्ट फ्रेंड लिखा मेलोनी ने, बल्कि हुआ कुछ यूं कि अभी जो मेलोनी है उनको एक अवार्ड भी दिया गया है मैन ऑफ द ईयर का, लेकिन वुमेन ऑफ द ईयर का देना चाहिए था, लेकिन उस पे वो एक जगह थी और वहां पर वो उठी और अवार्ड लेने के लिए जब आगे गई उनके लिए तालियां बज रही थी, क्लैप हो रही थी, तो उन्होंने जहां देखिए जवाब देने के बहुत से तरीके होते हैं, यूं करते हैं, यूं भी वो कर रही हैं, यूं भी करते हैं लोग, ठीक है बहुत सी चीजें, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी किया इस तरह, तो फिर उसके ऊपर भी एक हंगामा हो गया कि ये तो मोदी साहब से उन्होंने सीखा है, इसका मतलब है कि ये तो उनकी मुरीद बन चुकी है, हैं जी पैरोकार बन चुकी है ये नरेंद्र मोदी की, और क्योंकि वो उन्होंने उनसे ये लिया और वो इस तरह कर रही हैं, क्योंकि ये इटली में इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो उसका तो ये तरीका कार नहीं।